स्वामी खान, करीना कपूर, नागा चैतन्य और मोना सिंह स्टारर फिल्म लाल सिंह चड्ढा का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल हुआ है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म औंधे मुंह गिर गई है। फिल्म ने अब तक 11वें दिन महज 56 से 57 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। सोशल मीडिया पर लाल सिंह चड्ढा का हुए बॉयकॉट के फिल्म के कलेक्शन पर बुरा असर पड़ा है। तो बॉयकॉट की जो मुहिम चली थी लाल सिंह चड्ढा के खिलाफ सोशल मीडिया पर, जिसके कारण फिल्म के कलेक्शन पर बुरा असर पड़ा है। ऐसे में अब फिल्म में लाल सिंह चड्ढा की मां का किरदार निभाने वाली मोना सिंह ने फिल्म के कलेक्शन को लेकर एक इंटरव्यू में प्रतिक्रिया दी है। फिल्म के कलेक्शन के सवाल पर मोना सिंह ने एक प्रतिष्ठित अखबार से कहा, मैं फिल्मी पर्सन नहीं हूँ और बॉक्स ऑफिस नहीं समझती हूँ। ये मेरी जिंदगी की तीसरी फिल्म है। सबसे सुकून वाली बात यह है कि जो भी फिल्म देख रहा है वो इसके बारे में अच्छा कह रहा है। मेरे लिए सिर्फ यही मानना है, मैं उस बारे में सोचती ही नहीं, चाहती हूँ कि फिल्म ने कितनी कमाई की है। तो उन्होंने कहा, मैं उस बारे में सोचना ही नहीं चाहती हूँ कि फिल्म ने कितनी कमाई की है। ये सब मेरे परे है। मुझे यकीन है कि मैं उस फिल्म का हिस्सा हूँ जिसे लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। तो फिल्म की कमाई को लेकर मोना सिंह ने साफ कर दिया, मैं उस बारे में सोचना ही नहीं चाहती हूँ कि फिल्म ने कितनी कमाई की है। ये सब मेरे परे है। मुझे यकीन है कि मैं उस फिल्म का हिस्सा हूँ जिसे लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। तो इस तरह की प्रतिक्रिया लाल सिंह चड्ढा में माँ का किरदार निभाने वाली मोना सिंह ने दी है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।